नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार हमें प्रश्न आए कि शनि देव की तुला राशि में ढैया पूर्ण हो गई, फिर भी इतनी परेशानी क्यों है। तो आज सारी बातें रखने वाला हूं, शनि की ढैया खत्म होने के बाद भी इतनी परेशानी क्यों हो रही है, साथ ही इसके लिए क्या अचूक उपाय है। दोस्तों, अभी जो शनि महाराज चल रहे हैं तुला राशि के लिए पंचम भाव में, शनि महाराज की ढैया तो पूर्ण हो गई है, लेकिन यह आपको जन्म कुंडली में तीन स्थिति देखनी बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले, आपकी जन्म कुंडली में शनि महाराज नीच भाव में तो नहीं है ना? साथ ही शनि महाराज किसी पाप ग्रह के साथ जो योग नहीं बना रहे हैं ना, वो भी देखना बहुत जरूरी है। साथ ही शनि महाराज की ढैया पूर्ण होने के बाद भी इतनी परेशानी क्यों? क्योंकि शनि महाराज जो फल देंगे वो धीरे धीरे आपको सफल बनाएंगे। साथ ही जन्म कुंडली में केवल शनि महाराज ही अच्छा फल देते ऐसा नहीं रहता, या परेशानी देती ऐसा नहीं रहता। जन्म कुंडली में और ग्रहों की स्थिति देखनी बहुत ही आवश्यक है। यहां आप अपनी जन्म कुंडली के भाव से देखेंगे तो शनि महाराज आपके पंचम भाव में अभी उपस्थित है, तो यह आपको परिणाम तो बहुत ही अच्छा मिलेगा, लेकिन यह आपको धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक है। कई बार देखा गया है कि हमारे पूर्व के जो कार्य रहते हैं उनसे हमारी परेशानी बढ़ती है, और शनि महाराज की पहले आपकी जो ढैया चल रही थी, यहां आपको कौन से वक्त की परेशानी थी? सबसे पहले आपको परेशानी थी आपके प्रॉपर्टी की वजह से, जो विवाद चल रहा था उनसे आप बहुत ही परेशान थे। साथ ही आपके माता के स्वास्थ्य के बारे में भी आप बहुत ही परेशान थे, लेकिन इस बात की आपको किसी बात की अभी चिंता नहीं करनी है। आपके ऊपर शनि महाराज की कृपा होगी और आपका जो जीवन में है वो परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आने से आपके जीवन में जो लाभ नहीं मिल रहा था वो जरूर लाभ मिलेगा। यहां तीन लोगों को शनि महाराज की कृपा होगी और परेशानी दूर होगी। सबसे पहले हम यहां देखें तो शनि महाराज पंचम भाव में उपस्थित है, इसलिए पंचम भाव को पढ़ाई का भाव माना गया है। आप तुला राशि के या तुला लग्न के आपके संतानों की वजह से पढ़ाई में आप बहुत परेशान रहते थे, लेकिन अब आपको परेशान नहीं रहना है। आपके संतानों की पढ़ाई अच्छी रहेगी, उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आ सकता है, लेकिन यहां आपको मेहनत नहीं छोड़नी है। साथ ही पढ़ाई में विद्यार्थी बंधु के लिए ये शनि महाराज बहुत ही उत्तम फल देने वाले बनेंगे। आपकी कोई अभी परीक्षा आ रही है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम आ सकता है। साथ ही दूसरा, पंचम भाव है वो संतान का भाव है। अगर आप संतान की सोच रहे, कोई प्लान बना रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम शनि महाराज जरूर देंगे। शनि महाराज वक्री होंगे, लेकिन यहां आपको अच्छा परिणाम तुला राशि और तुला लग्न को अच्छा दे सकते हैं, लेकिन जन्म कुंडली में भी दूसरों ग्रहों की स्थिति देखनी बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए और शनि महाराज से आप डर छोड़ दीजिए। आप किसी बात से भयभीत थे, चिंता कर रहे थे, वो आप छोड़ दीजिए। मैं आपको एक बहुत ही उत्तम अचूक उपाय भी देने वाला हूं, लेकिन अप्रैल मास पूर्ण होने के बाद शनि महाराज आपको अच्छा परिणाम जरूर देंगे। आपकी जन्म कुंडली में किसी पाप ग्रहों की दशा अगर चल रही है, महादशा चल रही है, तो उसका परिणाम आपको अशुभ मिल सकता है। इसलिए केवल शनि महाराज को देख के आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। शनि महाराज के इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। साथ ही तीसरी जो आपके लिए बहुत ही उत्तम फायदा हो सकता है, वो है आपके जिसके साथ प्रेम संबंध है, वहां अच्छा परिणाम मिल सकता है। या ये 2 वर्ष में
शनि महाराज की कृपा होने से अच्छे रिलेशन, अच्छे रिश्ते आपके बन सकते हैं। लेकिन यहां आपको सावधानी इस बात की रखनी है कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, अपने क्रोध पे कंट्रोल रखना है, तभी आपका जीवन, आपका लव रिलेशन अच्छा जा सकता है। साथ ही आपके लिए खुशखबरी यह भी है, शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो सप्तम भाव में यहां हो रही है, तो विवाह के बारे में आप बहुत चिंतित थे, अच्छे प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, आपके अच्छे प्रस्ताव यहां जरूर आ सकते हैं, आपकी शादी के योग जरूर बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहां सप्तम भाव में गुरु महाराज भी उपस्थित है और शनि महाराज की तीसरी दृष्टि भी हो रही है, कृपा दृष्टि भी हो रही है, इसलिए कि ये साल शादी के लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। लेकिन यहां आपको जो परेशानी बढ़ेगी वो आपको, यहां आप नौकरी कर रहे हैं तो यहां पद उन्नति के लिए थोड़ा परेशान आपको यहां रहना पड़ेगा। लेकिन आपको अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है, मेहनत आपको करते रहना है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन शनि महाराज से आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। कई बार बहुत से लोग अपने मन में लेते हैं कि मेरी अभी ढैया चल रही है शनि महाराज की, इसलिए मेरे कार्य नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके ऊपर शनि महाराज की कृपा दृष्टि हो रही है, लेकिन और ग्रहों को देखना बहुत ही आवश्यक है। आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, चिंता छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो यहां आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आपको समय के साथ आपकी कुंडली का शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ आपको विश्लेषण कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों अब मैं आपके सामने अचूक उपाय रखने वाला हूं, आप अचूक उपाय जरूर करें। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी जानकारी आपको प्राप्त रहेगी। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कॉमेंट्स बॉक्स में एक बार जरूर ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र को जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों ये ज्योतिष देखने का समय है, कई बार मैं कह चुका हूं सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है, उसी समय कॉल करेंगे, आपको मुलाकात का समय दिया जाएगा, ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट चाहिए उसका भी समय आपको दिया जाएगा। दोस्तों ये अचूक उपाय आप जरूर करें। ये उपाय क्या है, तो आपको शनि भगवान की प्रतिदिन जो बीज मंत्र है प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला करें। साथ ही आपके राशि स्वामी है, भौतिक सुख आपको देने वाले हैं और शुक्र भगवान है, उसका भी एक प्रतिदिन एक माला करें, द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर करें और भगवान शंकर भगवान की पूजा प्रतिदिन करेंगे, आपकी चिंता भी दूर होगी, आपके जीवन में जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों ऐसे ही जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण महादेव।